मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो? चलो आज अब हम हिंदी में पढ़ेंगे बेटा ए की मात्रा। अभी तक हमने पढ़ी आ, ई, ई, उ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ए की मात्रा, ठीक है। चलिए फिर अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने सबसे पहले देखो, पढ़ो और समझो, यानी पहले आप देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे, ठीक है, कि मात्रा कैसे लगती है और कहाँ लगानी है, ठीक है। ये देखिए, सा प्लस ए की मात्रा प्लस बा, क्या हो गया? सेब। हमने बोला सा प्लस ए की मात्रा प्लस बा, सेब। और सा मात्रा किस पे लगी है? सा पे, सेब। ओके ना, फिर ये शा प्लस ए की मात्रा प्लस रा, ये क्या हो गया? शेर। शा प्लस ए की मात्रा प्लस रा हो गया शेर। फिर का प्लस ए की मात्रा प्लस ला प्लस ए की मात्रा, ये क्या है? केले। एक से ज़्यादा है ना बेटा, तो इसलिए हमने क्या लिखा है? केले। और अगर एक होता तो हम क्या लिखते? केला। तब का पे ए की मात्रा, ला में आ की मात्रा हो जाती, तब क्या हो जाता? केला। पर ये एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या लिखा है? केले। का पे ए की मात्रा प्लस ला पे की मात्रा हो गया हमारा केले, ठीक है बेटा। ना ये देखिए, बा प्लस ए की मात्रा प्लस सा प्लस ना, ये क्या हो गया? बेसन। बेसन, बेसन खाया जाता है ना, बेसन से क्या बनता है? बेसन से लड्डू बनते हैं, है ना। चलिए तो बा प्लस ए की मात्रा प्लस सा प्लस ना, क्या हो गया? बेसन, ठीक है ना। का प्लस पा प्लस रा प्लस ए की मात्रा, कपड़े। कप रा में ए की मात्रा, कपड़े, ठीक है। का प्लस पा प्लस रा प्लस ए की मात्रा हो गया हमारा कपड़े, ठीक है। अभी क्या है नीचे बेटा, देखिए इधर, ला में आ की मात्रा प्लस ला प्लस डा प्लस ए की मात्रा प्लस ना, लाल टेन। ला में आ की मात्रा प्लस ला प्लस डा प्लस ए की मात्रा प्लस ना, क्या हो गया? लाल टेन, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है शब्द? सेब। सेब खाने से क्या होता है बेटा? हमको रोज़ सुबह उठ करके बेटा ब्रश करने के बाद सेब खाना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है और कोई बीमारी हमारे कभी नहीं लगती, अगर रोज़ सुबह सुबह उठकर हम सेब खाएंगे, ठीक है। तो स प्लस ए की मात्रा प्लस बा हो गया सेब। ना शेर। शेर क्या है? शेर जंगल का राजा है। कहाँ का राजा है? जंगल का राजा है, है ना। सारे जानवर शेर से डरते हैं क्योंकि वो सबको मार कर खा जाता है, ठीक है। तो श प्लस ए की मात्रा प्लस रा क्या हो गया? शेर। का प्लस ए की मात्रा प्लस ला में की मात्रा केले। फिर ब प्लस ए की मात्रा प्लस सा प्लस ना बेसन। सब बच्चे बेसन के लड्डू खाते हैं ना, वेरी गुड। नाउ का प्लस पा प्लस रा प्लस ए की मात्रा कपड़े। हम सब कपड़े पहनते हैं ना, वेरी गुड। हर जगह के लिए अलग अलग कपड़े होते हैं, है ना। चलो अब ये क्या है? लालटेन। ल में अ की मात्रा प्लस ला प्लस टा प्लस ए की मात्रा प्लस ना, ये क्या हो गया? लालटेन, ठीक है। तो लालटेन से क्या होता है बेटे? पहले टाइम में जब लाइट्स नहीं थी तो हम लोग क्या क्या होता था, लैंप और लालटेन जला के ही रोशनी की जाती थी, उसी से, उसके जलाने पर रोशनी होती थी और उसी में सारा काम किया जाता था। आज के टाइम के हिसाब से वो जनरेटर और इन्वर्टर ये सारी चीज़ें नहीं थी बेटा पहले, है ना। तो हम लोग किसका यूज़ करते थे? लालटेन और लैंप का, ठीक है। चलो तो अब हमने पढ़ के बताया, आप लोग भी ऐसे ही इसको पढ़कर इसकी का अभ्यास करोगे। सेब, शेर, केले, सिबेसन, कपड़े एंड लालटेन, ठीक है। और ये नीचे देखिए, नीचे भी क पे की मात्रा के, ख पे की मात्रा खे, ग के पे ए की मात्रा गे, घ पे की मात्रा घे, ठीक है। इसका भी पढ़ के आप लोग अच्छे से क्या करोगे? अभ्यास करोगे। चे छे, जे झे, टे ठे, डे ढे, ते थे, दे धे, ने पे फे,
बे भे मे ये रे ले वे शे शे से हे। ठीक है, इसको क्या करोगे, पढ़ने का अभ्यास करोगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर दूसरी कक्षा में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।